बिहार और देश के दूसरे हिस्सों में डेंगू से बीमार पड़ रहे लोगों को इस बीमारी के खौफ से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने वाला टीका बनाने का काम तेजी से चल रहा है। पटना में डेंगू वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो गया है। अब तक 6 लोगों को डेंगू वैक्सीन का टीका लग चुका है। बिहार में लगभग 500 लोगों को यह परीक्षण टीका लगेगा। वैज्ञानिकों की टीम टीका लेने वालों की 2 साल निगरानी करेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR का पटना स्थित राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी RMRIMS क्लिनिकल ट्रायल संचालित कर रहा है। बिहार में रोज डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। इस साल 4,416 मरीज अस्पताल पहुंचे हैं और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले पटना में 2,184 मरीज मिले हैं। RMRIMS के एक अधिकारी ने बताया कि पूरी तरह देश में बन रहे वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 26 सितंबर को चालू हो गया है। इसके तहत अब तक 6 लोगों को वैक्सीन डोज दिया गया है। ICMR टीका लेने वालों की 2 साल तक निगरानी करेगी। वैक्सीन बनाने में ICMR और पेनिसिया बायोटेक लिमिटेड मिलकर काम कर रही है। टीका परीक्षण के लिए 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखी जाएगी। डेंगू टीका के परीक्षण के लिए देश भर में 19 केंद्र चुने गए हैं। RMRIMS उनमें से एक केंद्र है। इस लिहाज से हर केंद्र को लगभग 500 लोगों को ट्रायल का टीका लगाना है। वैक्सीन पटना देरी से पहुंचने के कारण ट्रायल पर थोड़ा असर पड़ा है। इसे जुलाई में आ जाना था लेकिन सितंबर में आया। जुलाई में आने से ट्रायल शुरू हो गया होता और डेंगू के मौसम में इसका असर देखने का एक मौका होता। पटना के ज़्यादातर इलाकों में डेंगू फैल गया है और कुछ एरिया तो इसका हॉटस्पॉट बना हुआ है।